न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और आज इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर के जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी। राजेश सोनकर जी, आपका स्वागत है सक्षम न्यूज इंडिया में। जी सोनकर जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इंदौर में आए दिन क्राइम का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, लोग बेखौफ होकर क्राइम करते जा रहे हैं, कल भी इंदौर में देखने में आया कि एक बड़ा गोलीकांड हुआ है, उसके बारे में आप प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में पिछले लगातार कई समय से हम देख रहे हैं क्राइम रेट में कमी आई है, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। मुझे याद है एक समय वो भी था इंदौर में, जब इंदौर की छवि माफियाओं के कारण बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई थी। और एक मगर हम बात करें आज से करीब दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की और आज की हम तुलना करें, तो उस समय ये था कि इंदौर का पर्टिकुलर हमारा जैसे जो श्रमिक क्षेत्र रहा था, मजदूर क्षेत्र था, वो तो क्राइम के कारण ही जाना जाता था। इंदौर शहर में कोई भी एरिया या क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पर महिलाएं या कोई परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो, लेकिन आज मुझे ये बात आते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर आप देखेंगे तो कई तरह हम देखते हैं इंदौर शहर की सड़कों पर परिवार, खास करके महिलाएं बच्चों को लेकर भी आते जाते हुए आपको दिखेंगी। तो खौफ या आतंक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले जब से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी हो, मुख्यमंत्री बने हैं, तो इंदौर का एक सात्विक शांति के टापू के रूप में स्थापित हुआ है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार के अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। ये जो घटनाकल आप बता रहे हैं, जो घटना हुई है, इसमें जो भी दोषी लोग हैं प्रशासन कड़ी कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और निश्चित ही ऐसे लोगों के लिए वो बख्शा नहीं जाएगा। कभी भी कहीं भी कोई छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती हैं तो आपने देखा होगा कि शासन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से उसके लिए काम करता है और ऐसे लोगों का जो सही जगह है उनके सलाखों के पीछे पहुँचाने में उसमें कहीं किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। जैसा कि कल देखने में आया है कि मऊ क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला आया हुआ है, तो उसमें लव जिहाद का कानून पर प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी? तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय कार्य है किसी की भावनाओं के साथ में खेलना और उसके बाद में उस बच्ची के साथ में या उस बहन के साथ में एक षड्यंत्र करके पूरा सुनियोजित तरीके से उसके धर्म के नाम पर उसके साथ में गलत नाम, गलत आईडी के माध्यम से उससे जुड़ना, उसकी भावनाओं के साथ में खेलना और उसके बाद फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे जो चेहरे हैं, ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं और एक उसको अंजाम देने के लिए पूरे पर्दे के पीछे से काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो सब चेहरे भी सामने आना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा तो होनी ही चाहिए। पिछले दिनों भी ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने देखने या सुनने में आए थे जिसमें प्रदेश सरकार ने भी बहुत कड़े कदम उठाए थे, कानून भी हमारी प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ़ बनाया है और ऐसे जो लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी से इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए जितने भी आवश्यक कदम हैं वो सरकार उठाएगी। आज जैसे कि कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तो अपने यहाँ इंदौर क्षेत्रवासियों के लिए आगे आने वाला ईद का भी त्यौहार है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? सुन जी, निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी हमने देखा कि पूरे विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ये सब कहीं ना कहीं नतमस्तक हुए, इन्होंने घुटने टेके हैं इस बीमारी के सामने। हमने भी इस त्रासदी को झेला है, बहुत बड़ा नुकसान हमने उठाया है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के उन युवाओं को जिन्होंने शासन और प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस वैश्विक महामारी का सामना किया। जहाँ भी शासन ने या प्रशासन ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, जब भी उन्होंने सरकार समाज से आह्वान किया है, युवाओं से आह्वान किया, हर युवा अपने घरों से बाहर निकलकर इस बीमारी का सामना करने के लिए और इस बीमारी से जूझ रहे परिवारों की जैसे भी जहां संभव मदद हो सकती है वो मदद करने के लिए वो आगे खड़े हुए हैं, उसी का परिणाम है कि भारत ने इस बीमारी के से एक बार नहीं दोनों बार कोरोना 1919 को हमने पछाड़ने में उन पर विजय प्राप्त की है। लेकिन अभी ये संकट टला नहीं है, निश्चित रूप से तीसरी लहर आने की आशंका है। अभी हमको जन जागरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सैनिटाइज़र का उपयोग निरंतर हम करते रहें, फेस मास्क का उपयोग हम निरंतर करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, जन जागृति हमारे लिए ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते हमारे संगठन ने भी जो निर्णय लिया है, हम लगातार
कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जनता के बीच में, समाज के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरी लहर में उन्होंने घर से बाहर निकलकर शासन और प्रशासन का सहयोग किया था, कोविड केयर सेंटर तक मरीजों का परीक्षण करके ले जाने का जो काम किया था, जनता कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए जो उन्होंने आग्रह किया था, उस सब के बहुत अच्छे परिणाम आए थे और ये प्रयास निरंतर चलते रहे। रही बात शासन और प्रशासन की, तो जिस प्रकार से हमने उस समय जो देखा था, अस्पतालों में बेडों की जरूर कुछ कमियाँ हमारे सामने आई थी, ऑक्सीजनों की जो कमी हमारे सामने आई थी, उस सब को ध्यान रखते हुए सरकार ने अब नए लाइसेंस जारी किए हैं, बहुत से अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कई प्राप्त विजय प्राप्त की है, लेकिन अभी ये संकट टला नहीं है। निश्चित रूप से तीसरी लहर आने की आशंका है, अभी हमको जन जागरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सैनिटाइज़र का उपयोग निरंतर हम करते रहें, फेस मास्क का उपयोग हम निरंतर करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करना हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, जन जागृति हमारे लिए ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते हमारे संगठन ने भी जो निर्णय लिया है, हम लगातार कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जनता के बीच में, समाज के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरी लहर में उन्होंने घर से बाहर निकलकर शासन और प्रशासन का सहयोग किया था, कोविड केयर सेंटर तक मरीजों का परीक्षण करके ले जाने का जो काम किया था, जनता कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए जो उन्होंने आग्रह किया था, उस सब के बहुत अच्छे परिणाम आए थे और ये प्रयास निरंतर चलते रहे। रही बात शासन और प्रशासन की, तो जिस प्रकार से हमने उस समय जो देखा था, अस्पतालों में बेडों की जरूर कुछ कमियाँ हमारे सामने आई थी, ऑक्सीजनों की जो कमी हमारे सामने आई थी, उस सब को ध्यान रखते हुए सरकार ने अब नए लाइसेंस जारी किए हैं, बहुत से अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कई यूनिट हमने जो है ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी में हैं, अस्पतालों में भी बेड बढ़ गए हैं, नए अस्पताल भी खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तीसरी लहर अब दुष्प्रभाव लेकर नहीं आए, समाज को कोई नुकसान उसका नहीं उठाना पड़े, इसके लिए शासन पूरी तरह से, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जन जागरण की ज़रूरत है, जिसके लिए हम पूरे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।